हेलो गाइस, तो आज की इस मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं करने जा रहा हूँ केपो का रिव्यू, जो कि बिगिनर्स के लिए है। तो बिगिनर्स के लिए कैसा केपो लेना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में कैसा केपो लेने से आपको अच्छा होगा, आप बहुत दिन तक उसको यूज़ कर पाएंगे, और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई करते हैं उतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम रेंज में अच्छा सा केपो मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि देखिए, ऑनलाइन में और बाजार में पाए जाने वाली बहुत से केपो हैं, जैसे कि बहुत कम दाम में मिल जाता है, 100-150 में मिल जाता है, जैसे कि ये दोस्तों, ये वाला केपो आपको 100-150 में मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी या फिर शॉप में भी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कृपया करके आप ऐसा केपो मत लीजिए, ठीक है, 100-150 में। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाइए दोस्तों, बहुत अच्छा केपो आपको मिल जाएगा। ऐसे पैसा खर्चा करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और थोड़ा पैसा लगा के आप बहुत अच्छा केपो ले सकते हैं, और ये तो मतलब पैसे की बर्बादी हो जाएगा दोस्तों। कुछ दिनों के बाद आपको नया लेना पड़ेगा, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए मैंने इसको लगाया यहाँ पे, देखिए कैसा नॉइस करता है, देखा आपने। बस डेढ़ दो महीने में इसका हालत देखिए, बहुत खराब हालत है, देखा आपने कैसा नॉइस कर रहा है दोस्तों, कैसा नॉइस कर रहा है, मतलब कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं आपको एक केपो सजेस्ट करूंगा, जो कि मैं ये केपो 3 साल से यूज कर रहा हूं दोस्तों, 3 साल से, अभी तक कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। देखिए, केपो का जो मेन मुद्दा होता है, वो मेन चीज ही है ये स्प्रिंग, ये पावरफुल होना चाहिए। तो ये मुसेडो MC1 का केपो है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। 380 या 400 रुपये में आपको मिल जाएगा शॉप में, या फिर ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन में ज़्यादातर अवेलेबल कम ही रहता है, शॉप में आपको ज़रूर मिल जाएगा ये। तो इस प्राइस में ये बहुत ही अच्छा है, इसका MC1 है और एक है MC2, ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं। ये सिल्वर कलर में है, ये ब्लैक में है, मैट फिनिश वाला है, आपको जो पसंद आप ले सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, सेम प्राइस में ही अवेलेबल है। इससे आप मैंडोलिन या फिर दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट पे भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग्स के इंस्ट्रूमेंट में, और ये स्पेशली मतलब गिटार के लिए बनाया गया है। दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, और मैंने जो कहा स्प्रिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इसका, ठीक है। देखिए, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर कोई आपका या फिर कोई भी हो मतलब सजेस्ट कर सकता है कि 1500 1600 1700 में लीजिए, सारे ज़िंदगी चल जाएगा। देखिए, इतना पैसा अफोर्ड करना सबके लिए मुमकिन नहीं होता है ना। तो मैंने जो दिखाया मुसेडो का, ये आप बिल्कुल मतलब आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि ये जो स्ट्रिंग्स कंपनी है, ये DAdario, ये केपो भी बनाते हैं, क्यों तो केपो इसका करीबन 1500-1600 ऐसे में 1700 का भी है, इतना महंगा है। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑब्वियसली है, बहुत बड़ा कंपनी है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, पर उतना पैसा अफोर्ड करना हमारे लिए सबके लिए मुमकिन नहीं होता है। जिनके लिए मुमकिन है वो ठीक है, ले सकते हैं वो, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही केपो लीजिए। मैं एक बार आपको डेमो दिखा देता हूं, मैं इसको लगा रहा हूं, तब तक आप केपो का क्लोज शॉट्स देख लीजिए।
देखिए दोस्तों, मैंने बस ऐसे इसको लगाया, देखिए देखिए बिल्कुल कोई नॉइज नहीं है। मैं कोई दूसरा फ्रेट में लगा के देखता हूं। देखा आपने, कोई नॉइज नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब MC2 का बारी है। देखिए एकदम क्लियर साउंड है ना। तो देखा दोस्तों आपने, तो इस तरह का केबो आप ले ही सकते हैं, है ना। मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका, जो स्प्रिंग है बहुत ही अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़े से पैसे लगाइए और इस तरह के केबो लीजिए, ठीक है, और आनंद उठाइए दोस्तों। तो मैंने आज बताया आपको बिगिनर्स के लिए कुछ केपो के बारे में, क्योंकि अच्छा सा, क्योंकि जब गिटार आप बजा रहे हैं केपो का आपको ज़रूरत है, तो लेने से पहले थोड़ा देख के लीजिए, क्योंकि पैसा बार बार खर्च करने से एक बार सही से खर्चा करो वही ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।